गाजा पट्टी के बेत लाहिया इलाके में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम 73 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हमला शनिवार देर रात बम विस्फोट के जरिए किया गया। इस हमले के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। हमास का कहना है कि इजराइल ने अपने इस ताजा हमले में भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया है। वहीं इस हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि वह इससे जुड़ी रिपोर्ट की जांच कर रहा है। सैकड़ों टन बारूद झेल चुके गाजा में जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आती हैं। जंग की त्रासदी झेल रहे लोगों की जिंदगी बमबारी के बीच गुजर रही है। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं।